Class, probably. Oh, I've got video. Yeah, yeah, Oh, okay, yeah, yeah, yeah. Smart. Thank you. Thank

वेलकम टू नाइला राशिद किचन एंड ब्लॉग और आप लोगों ने जैसा कि देखा ही है कि मैंने आप लोगों को कुछ शुरू में झलकियाँ दिखाई हैं जो कि मेरे पार्ट टू की हैं लंदन विज़िट की तो ये इस वक्त जो है ये मैं बैठी हूँ डबल टेकर रेड बस है क्विक इन लंदन जनाब इसमें आप बैठ जाएँ और आप टिकट ले लीजिए और आपको पूरे लंदन के साइड सीन और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग्स बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स और जहाँ आपको जाना है वहाँ पे ये पहुँचा देगी और बहुत ही ज़बरदस्त मनाजिर देखिए आप लोग देख सकते हैं और मैं ऊपर बैठी थी लेकिन जब बारिश शुरू हो गई तो मैं नीचे आ गई थी बहुत ही मज़ा आया इस बस में बैठ के आप एक बार बस इसका टिकट ले लें तो ये आपको जो है चौबीस घंटे यानी जिस जिस दिन आपने ख़रीदा है उसके अगले दिन जाके फिर ये ख़त्म होता है तो आप बार बार जो है ना आना जाना कर सकते हैं लेकिन ये रेड बस में आप गए थे तो आप ब्लू बस में जो है वो वापस आएंगे तो ये देखिए आप कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जो जो भी मुझे अच्छा लगता गया लंदन में मैंने उसकी वीडियो बना ली और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग पार्ट वन नहीं देखा जरूर देखें उनको ज़रूर मज़ा आएगा उसमें मैंने माधम दसाउट आ, की वीडियोस शेयर की थी और ये वहाँ से निकल के हम लोग जो है इस बस में बैठे थे डबल डेकर बस में हमने इसका टिकट लिया था और ये देखिए आप लोग देख रहे हैं ना ये हैरी पॉटर का आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे मेरे ख़्याल से यहाँ शूटिंग हुई होगी मुझे पक्का नहीं पता लेकिन मुझे लगता है सही है तो बहरहाल दोनों तरफ के बहुत ही ख़ूबसूरत मनाजिर हैं और ये देखिए ये बस है डबल टैकर रेड कलर की बस है और हम लोग जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत सीनरी देख रहे हैं और जब हम लोग जिस जगह पे उतरेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग किस जगह पे उतरे हैं बारिश भी हो चुकी है तो देखिए बारिश का भी ख़ूबसूरत सा मंज़र जो है वो आपको दिखाई दे रहा है कुछ लोग जो है वह बाइसिकल राइड कर रहे हैं देखिए कितना ख़ूबसूरत चर्च भी है आपको सामने नज़र आ रहा है बिल्डिंग्स तो बहुत ख़ूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और ये है जी थेम्स रिवर और यहाँ पे जो है आपको क्रूज़ में हम लोग बैठेंगे तो आप लोगों को जो है वो आ, लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन वो जो नर्सरी राइम्स हैं उसी की वो लंदन ब्रिज इज़ फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, डाउन वो भी नज़र आएगा और ये देखिए ये कैरमलाइज पीनट है जो कि देखिए गर्मा गर्म है और इस वक्त हो रही थी सर्दी हो रही थी तो हम लोग इस वक्त वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज के ऊपर हैं तो हमने ये लेकर खाई तो यकीन माने इसका मज़ा ही कुछ और था हालांकि ये दुबई में बहुत मिलती है लेकिन इस वक्त गर्मा गर्म जो है ना खाने का इसका मल मज़ा ही अलग था अब यहाँ से जो है हम लोग क्रूज़ पे बैठेंगे या बोट में एक ये राइड होती है ये उसका स्टेशन है आप यहाँ बैठ के टिकट ले के वेट कर सकते हैं और फिर हम लोग जो है वो क्रूज़ में बैठे तो क्रूज़ से जो है वो आपको ये लंदन आई भी वैसे तो यहीं से नज़र आ रहा है लेकिन क्रूज़ में बैठ के बहुत करीब से जो है आप इसका व्यू कर सकते हैं और उसके अलावा जो है वो आ, बहुत सारी ए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं और यहीं पे टावर ब्रिज भी आपको नज़र आएगा तो ये देखिए ये आपको आ, हिस्टोरिकल प्लेसिस के बारे में वो आपको बता भी रहे हैं और सब लोग बड़े ग़ौर से सुन रहे हैं और कुछ लोग जो है बाहर बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं और साइड सीन का भी मज़ा ले रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं और बहुत ही ख़ूबसूरत ये हम लोगों का क्रूज़ का एक टूर था जिसमें कि हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स और लंदन ब्रिज और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने देखी हैं इसमें ये देखिए लंदन आई नज़र आ रहा है अच्छा जनाब यहाँ से फिर हम लोग जो है वापस होटल आए और फिर रात का टाइम हो गया था तो ये रात का व्यू है लंदन का हम खाना खाने के लिए निकले हैं हमें ये एक फ़लस्तीनी रेस्टोरेंट नज़र आया है जिसके अंदर के हमने ये देखिए ये शवरमा प्लेट हमने मंगाई है मटन और चिकन दोनों और यहाँ पे बैठ के खाएं तो एक्सपेंसिव था अगर आप ले कर जाएँ तो थोड़ा सा चीप था लेकिन हमने कहा नहीं भाई आप हम यहीं पर ही बैठ के खाएंगे इतनी दूर चल के आए हैं चलना आपको बहुत पड़ता है यहाँ पर लंदन में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं अब ये हलाल फूड था तो ये हमें पहले सर्च करना पड़ा और फिर वो मोबाइल पकड़ के ही हम जो है ना वो देखते हुए मैप देखते हुए और हम लोग यहाँ तक पहुँचे अब फिर ये मॉर्निंग में देखिए ये पेन केक्स जो हैं ये बन रहे थे तो मुझे ये मशीन बहुत अच्छी लगी देखिए ये मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ये जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी होटल में ब्रेकफास्ट था ब्रेकफास्ट uh, इंक्लूड था उसमें तो हमने वहीं पे ही हम ब्रेकफास्ट करते थे और uh, मतलब हम uh, देख लेते थे कि कौन सी चीज़ हम खा सकते हैं तो ये पैनकेक्स केक्स थे ये देखिए आप इसके अंदर सब कुछ फिल कर देते हैं और बस ये सिर्फ़ आपने ओके uh, okay, जितने भी आपको पैनकेक्स केक्स चाहिए उतने बार आपको ओके okay करना है तो फिर वो उतने पेन केक्स जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी से जो है ना ये निकल रहे थे बस फिर उसके ऊपर जो है आप कोई सभी सॉस डालें और सिरप डालें शुगर सिरप डालें या कोई शहद डालें या आप चॉकलेट सॉस डालें जो भी आपको पसंद है तो ये देखिए मैंने तो खाली इस पर शहद डाल लिया था और मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ ये अपनी टेबल पे मैं जा के बैठ के आराम से क्योंकि मैंने और भी चीज़ें जो है वो ब्रेकफास्ट में ली हैं जो कि मैं खा सकती हूँ तो जिसके अंदर के मैंने कुछ ले लिए थे तो सोन ले लिए थे और ये जनाब फिर हम लोग अगले दिन जो है हमने सोचा कि अब हम ये अंडरग्राउंड जो ट्रेन चलती है लंदन में उसमें हम लोग सफ़र करते हैं तो ये देखिए ये हमने उसका टिकट लिया आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते जब तक कि आपके पास टिकट ना हो फिर उसके बाद एस्केलेटर होती हैं फिर ये प्लेटफॉर्म होता है तो हर एक एक दो दो मिनट के बाद जो है वो ट्रेन आ रही होती है तो आपको जो भी जिस वक्त भी आप पहुँचे हैं जो ट्रेन आ रही है आप उसमें बैठ जाएँ तो हम लोगों ने ये टिकट्स ले लिए थे जो कि ये भी चलते हैं जितना आ, दिन भी आप इसको चलाना चाहें शायद आप इसके अंदर फिर उसको बढ़ाते रहते हैं इसी टिकट को तो हम लोग जो है वो आ, ट्रेन में बैठे और फिर हम लोग उतरे क्योंकि आज हमें जाना था बकिंगम पैलेस तो उसके लिए जो है वो हम लोग देखिए ये ट्रेन हमने ली है और बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है अंडरग्राउंड चलती है ये तो आराम से आप लोग बैठें अपना सैंडविच हाथ में पकड़ें न्यूज़पेपर पकड़ें या मोबाइल पकड़ें और जनाब ये इसमें बहुत बहुत तेज़ चलती है ये ट्रेन तो अब जो है वो हम लोग एक स्टेशन पे उतरेंगे देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है सामने कौन सा स्टेशन आएगा वो लिखा हुआ आ रहा है तो जिस तरीक़े से हम लोग एंटर हुए थे उसी तरीके से हम लोग अब ये स्टेशन से बाहर निकलेंगे यानी इसी तरह हम आ, ये देखिए ये एस्केलेटर से अब ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं और ये जिस तरीके से हम एंटर हुए थे यानी ये देखिए यहाँ से टिकट जो है अंदर डालते हैं तो फिर ये गेट खुल जाता है ठीक है तो अब हम लोग ये जो है जा रहे हैं बाकी हम पैलेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं लेकिन उससे पहले जो है ना हमें जो रास्ता है हमारा जो कि हम देखते हुए जा रहे हैं वो एक पार्क में से गुजरता है और ये है ग्रीन पार्क लंदन का तो बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये तो इसके अंदर से जो है ना वो रास्ता है जो कि बकरी पैलेस को जाएगा ये देखिए चेयर्स रखी हुई हैं ये चेयर्स जो है फ्री की नहीं है ये आप कुछ पाउंड जो है वो पे करें तो फिर ये आपको मिलेंगी तो आप उसके ऊपर बैठ के जो है आराम कर सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि वो नीचे ही बैठे हुए थे घास पर बैठे हुए थे इतनी अच्छी घास है इतना अच्छा मौसम है तो भाई आ, उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पर बैठते हैं क्यों पैसे खर्च करें सोच भी सही है तो बहुत खूबसूरत पार्क है और बहुत बड़ा पार्क है ये फिर यहाँ से रास्ता जो है वो देखिए कितने बड़े बड़े और पुराने पुराने से दरख्त हैं ये आप एक दफ़ा आ जाए ना आप यहाँ पे पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स देखिए पुराने पुराने दरख्त देखिए मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है तो नई चीज़ें भी आपको बहुत नज़र आएंगी लेकिन हमारा इंटरेस्ट जो है ना वो इन चीज़ों में ज़्यादा था तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं बकिंगम पैलेस पर देखिए कितना रश है कितना रश है ये गेट है यहाँ से मलका की मतलब गाड़ी से वो बाहर आती थीं और फिर अंदर जाती थी तो लोग जो है वो अपनी तस्वीर बना रहे हैं घूम फिर रहे हैं सामने भी बहुत सारी जो है वो फाउंटेन हैं और जो भी इनके स्टैचूज़ वग़ैरह हैं ये देखिए सामने फूल गेट के साथ पड़े हुए हैं जो कि आपको पता है कि मलका की ताज़ियत के लिए उनकी उनसे इजहार में ताज़ियत के इजहार में लोगों ने रखे हुए हैं बहुत प्यार करते हैं करते थे लोग उनसे और देखिए सब का दिल था कि हम जो है ना ताज़ियत करें और पूरा सिटी और क्या दुनिया भर से लोग आए हुए थे और एहतराम में जो है वो कहीं पे कहीं पे भी बकिंग बकिंगम, बकिंगम पैलेस के आसपास या बाहर जो भी जो है सर्कल होता था ना वहाँ पे वो फूल वग़ैरह जो है वो रख देते थे और अपनी अकीदत का इजहार करते थे कि हमें आपसे बहुत प्यार प्यार है हमें आपसे तो ये देखिए कितना रश है और कितनी खूबसूरत ये पैलेस है कितना खूबसूरत ये पैलेस है और हम जो है वो पूरे जो है ना बकिंगम पैलेस के अराउंड में जो है ना हमने भी अपनी मतलब तस्वीर वगैरह खिंचवाई और ये देखिए ये ग्रिल पे जो है ना कितने फूल रखे हुए हैं ये देखिए कार्ड्स रखे हुए हैं फूल रखे हुए हैं उस पर लिखा हुआ भी है और आ, मतलब पिक्चर्स वग़ैरह भी उनकी बनाई हुई है मलका की और जो उनके जज्बात हैं वो भी उन्होंने कार्ड्स पे लिखे हुए हैं ये देखिए कितनी प्यारी मलका की तस्वीर है और फूल कितने खूबसूरत लेकिन ये इनको हटाते नहीं हैं बहुत बहुत दिन तक ये रहते हैं फूल बल्कि इसमें काफ़ी मुरझाए हुए भी थे लेकिन वो वहीं पर ही थे तो हो सकता है कि बाद में उठाएँ या जब बिल्कुल उसके अंदर जो है ना वो पत्ते भी जो हैं उसके सूख जाए तो अभी तो फ़िलहाल तो वो सारे हर जगह जहाँ भी हमने देखे बच्चों ने बड़ों ने बूढ़ों ने सब ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया हुआ था और बहुत कुछ लिखा हुआ था तो जनाब हम पैदल ही जो है वो जा रहे हैं और ये देखिए मुझे एक बिल्डिंग नज़र आई है जो कि नई बन रही है लेकिन आसपास उसके जो है ना दोनों बिल्डिंग्स जो है वो पुरानी है इसलिए देखिए वो मोटे, -मोटे से रॉड लगाए हुए लोहे के ताकि वो पुरानी बिल्डिंग्स जो है वो गिर ना जाएँ तो ये नई बिल्डिंग बन रही है कितना अच्छा लग रहा है ना उसको किस तरीके से देखिए इन्होंने सेव किया है ना कि कहीं वो गिर ना जाए और ये देखिए ये कितने खूबसूरत रोज़ेज़ लगे हैं और कलर भी बहुत ख़ूबसूरत इसका कलर है तो मैंने सोचा मैं अपने मुझे तो अच्छे लगे हैं मैं शेयर करती हूँ आप लोग भी देखिए और ये देखिए ये एक चर्च है बहुत ही पुराना आ, ये चर्च है और यहाँ पे है तो ये बहुत पुराना चर्च इसकी हिस्ट्री भी ज़रूर कोई ना कोई होगी लेकिन ये है कि यहाँ पे वाईफाई फ्री था <laughs> तो जनाब हम यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ गए थे थोड़ा सा जो है वो हमने सोचा कि चलो अपने अपने मोबाइल्स जो हैं वो चेक करते हैं और यहाँ पे कबूतर लोग कबूतर को दाना डाल रहे थे और चर्च जा रहे थे आ जा रहे थे और बहुत बहुत ही पुराना चर्च है बहुत खूबसूरत बना हुआ चर्च है और जबकि इसके आस बहुत रौनक थी और कुछ जो है वो फ्रूट्स के ना ये देखिए ये जैसे केबिन से होते हैं ना वो थे और लोग लो यहाँ से और बहुत बहुत मज़ेदार टाइप के फ्रूट्स थे यहाँ पे ना हर चीज़ थी और यहाँ से ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे लोग तो फ़िक बहुत अच्छी थी और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जो कि बहुत पुरानी पुरानी थी उन पर किसी किसी पे लिखा हुआ भी होता था कि क्या है उसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है कब बनाई गई वो बिल्डिंग uh, तो कई कई हज़ार साल पुरानी कई कई सौ साल पुरानी और ये कितनी ख़ूबसूरत बिल्डिंग है देखिए फूल किस तरीके से लगे हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है तो बस आपको जगह जगह रुकना पड़ेगा और अपना जो है ना कैमरा या मोबाइल आपको हाथ में ही रखना पड़ेगा कि भाई इतना ख़ूबसूरत है लंदन और ये देखिए ये हॉर्स पे जो है सिक्योरिटी जो है वो घूम रही है क्योंकि ज़ाहिर है ये सब जो है वो वाली पब्लिक प्लेसेस हैं और ये जो है सेंट जेम्स पार्क है ये तो ये मैंने लिए देखिए ये आपको नज़र आ रहे होंगे पम्पकिन लगे हुए ना यहाँ पे बहुत वेजिटेबल लगी हुई थी ये बैकयार्ड है एक डक आइसलैंड का और यहाँ पे ये देखिए ये उसका बैकयार्ड है उसके अंदर जो है वो शायद ही कोई सब्ज़ी बची की फ़्रेंच बीन्स भी जो है वो मुझे नज़र आ रही थी चूँकि मेरा इंटरेस्ट है ये देखिए ये दूसरी मूलियाँ और वो वाली चीज़ें पालक पलक भी लगी हुई है और ये डक आइस लैंड जो है ना कॉटेज है ये बहुत पुराना बना हुआ है बहुत पुराना बना हुआ है ये आगे आप लोग देखेंगे कि लिखा हुआ भी है इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये कितना पुराना है यानी यहाँ पर जो डक रखी हुई है ना तो वो जो भी कोई उनकी देखभाल करता होगा ना ये उसका कॉटेज है जो कि अब तक है और इसके अंदर बहुत ही फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी लगी हुई हैं तो अभी भी ज़ाहिर है किसी के इस्तेमाल में होगा और आगे देखिए ये डक्स कितनी ख़ूबसूरत लग रही हैं ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएंगी ये देखिए हर साइज़ की हर कलर की डक्स हैं और झील भी बहुत ख़ूबसूरत लग रही है नेचुरल ब्यूटी आपको जगह जगह नजर आएगी तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देखूं या बनाऊं या वीडियो बनाऊं क्योंकि मैं पहले भी गई थी तो मैं सबसे कह रही थी कि भाई मैं तो भूल गई हूँ तो दोबारा जाना पड़ेगा तो अब दोबारा होके आई हूँ तो अब ये वीडियोस निकालने में मुझे इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि मैं बोल रही थी कि एक बार फिर जाना पड़ेगा भाई मैं भूल गई हूँ और ये देखिए ये गुलहरी नज़र आ रही है आपको डक्स तो थी पानी के अंदर और ये गुलहरी जो थी वो बाहर आ रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना खाना जो है वो लेके जा रही थी इतनी ख़ूबसूरत लग रही थी ये भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है बहुत पुरानी बिल्डिंग है लेकिन देख लेकिन देखिए कितनी ख़ूबसूरत लग रही है बहुत ख़ूबसूरत बिल्डिंग लग रही है ये कुछ यादगार में स्टैचूज़ वग़ैरह होते हैं उस पर भी लिखा हुआ होता है कि ये जो है कब स्टैचू जो है वो बना और आ, किस लिए बना और देखिए कितनी ख़ूबसूरत जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो आप सबको ही पता है तो उसको जो है मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी आगे जाके भी आप लोग देखेंगे अच्छा ये देखिए ये आ गया है शॉपिंग एरिया सोवीनियर्स वगैरह हैं आ, मतलब आप लोग अब आए हैं तो भाई सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही ये आपके स्टार के हिसाब से स्टोन वगैरह हैं तो मैंने भी शॉपिंग की यहाँ से लेकिन शॉपिंग जो है वो एक्सपेंसिव है यहाँ पे यूके में खैर बहरहाल अब ये जो है हम लोग आए हैं ये विंटसर पैलेस है जहाँ पे के आई थिंक सो नहीं ये वो जगह नहीं है आगे आएगी वो जगह तो ये बकििंग पैलेस का जो है वो आपको पूरा का पूरा जो है व्यू नज़र आ रहा है और देखिए बादल कितने ख़ूबसूरत लग रहे हैं बहुत ही ख़ूबसूरत बादल लग रहे हैं और ये आया है जी विंटसर पैलेस जहाँ पे के मलका की डेथ हुई थी और फिर आखिरी दिन, दिनों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजारे थे और फिर उनकी डेड बॉडी को बकििंगम पैलेस ले जाया गया था लंदन में ठीक है जी अब ये देखिए खाना खाने जा रहे थे तो ये ग्लास की पूरी बिल्डिंग थी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगी और रात के टाइम इसका व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई देखिए आप लोग भी देखिए रात में व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अब ये हम लोग खाने के लिए हलाल खाना हलाल फूड देखना होता है तो जनाब ये है पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ कि हमने ये कढ़ाई खाई थी और ये नान थे बटर ऊपर लगा हुआ था और साथ में था चिकन टिक्का बहुत ही मज़ेदार खाना था और छोटा सा रेस्टोरेंट था और एक ही लड़का शायद वो स्टूडेंट था वो चला रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहा था तो बस हमने खाना खाया और उसे दुआ दी क्योंकि हलाल फूड था तो क्योंकि आपको पता है कि हलाल फूड जगह जगह तो नहीं वहाँ पे मिलेगा तो सर्च करके ही गए थे हम लोग कि कहाँ पे है हलाल फूड तो मज़ेदार टिक्का था बहुत अच्छा बना हुआ था और ये देखिए ये रात में व्यू है लंदन का ये भी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है दिन में तो मैंने देखी थी लेकिन रात में इसका व्यू और ख़ूबसूरत लग रहा था बहुत सारी लाइट्स थी तो मैंने सोचा चलो इसकी भी वीडियो बनाते हैं और ये जनाब टाइटैनिक ये देखिए ये लिखा हुआ भी है टाइटेनिक जो है वो आप लोगों को पता है कि एक शिप था जो कि डूब गया था तो ये उसकी हिस्ट्री है कि कैसे बना कैसे डूबा उसके अंदर क्या क्या लगा था और कितने में, म, लोग थे क्रियो मेंबर जो इसमें गुज़रे और जो लोग इसमें गुज़रे थे सबकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई थी अच्छा ये देखिए ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सॉरी मैं आप लोगों को पीछे कह रही थी ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और साथ में म्यूज़ियम तो बस मैंने जो जो कुछ देखा है मैं वो वो कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये नहीं है कि मुझे बहुत कुछ पता है यहाँ के बारे में नहीं मैं खुद जान रही हूँ कि क्या क्या कुछ है यहाँ पे ठीक है ना अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानना है तो आप लोग बहुत वीडियोस हैं वो देख सकते हैं आप लोग और ये अब हम लोग जा रहे हैं बर्मिंगम बर, बर्मिंगम की तरफ जा रहे हैं बर्मिंगम की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में हो रही है बारिश और ठीक ठाक बारिश हो गई थी लेकिन बहुत खूबसूरत सीनरी है और हम लोग जो है जब पहुँचे क्योंकि फ्राइडे था तो हमें जुमे की नमाज़ पढ़नी थी तो इस मस्जिद में हमने जुमे की नमाज़ अदा की और ये दुआ कराई जा रही है बहुत बारिश थी जब हम निकले और मुझे गाड़ी अपनी नहीं मिल रही थी उफ मैं तो पूरी भीग गई थी खैर बहरहाल मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ढूंढ लिया अब हम लोग फिर निकले हैं आ, अपने होटल की तरफ मानचस्टर की तरफ हम लोग जा रहे थे और ये हमारा होटल है ब्रुकलिन और ये एक स्टेडियम सा बना हुआ है उस होटल के अंदर फुटबॉल का जैसे स्टे, स्टेडियम होता है ना बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और उसके अंदर कुछ ये देखिए ये स्क्रीन लगी हुई है अगले दिन एक बहुत बड़ा मैच था वहाँ पे तो लोग देख रहे थे बैठ के हमने भी देखा ये हमारा रूम है देखिए और इसके अंदर ना कुछ एंटीक्स हैं जैसे पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और बिल्कुल शेप भी बिल्कुल डिफरेंट सी थी बहुत खूबसूरत सा था बहुत ही पुराने ज़माने का फ़ोन रखा हुआ था रेडियो रखा हुआ था इस तरह की चीज़ें थी ये देखिए फ़ोन देखिए और बुक्स थी और ये देखिए ये रेडियो देखिए पुराने ज़माने का रेडियो इस तरह की चीज़ें थी पुरानी इंतिक्स होती थीं ना जैसे वो चीज़ें और ये देखिए ये पेंटिंग देखिए पेंसिल से की हुई थी ये तो अच्छा खूबसूरत रूम था ये मानचेस्टर में हम लोग आए हैं और ये मानचेस्टर का नाइट व्यू है देखिए हम लोग बाहर फिर खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे फिर हमने जाके पाकिस्तानी फ़ूड एक जगह पे खाया था हलाल और ये मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट था जो कि होटल के अंदर ही था और ये देखिए कॉफ़ी और अभी मैंने ली नहीं है बस ये देखिए जूस जो हैं फ़्रेश जूस हैं तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये जो है जूसेस वग़ैरह जो है वो ज़्यादा पीऊँ क्योंकि ये बिल्कुल फ़्रेश थे और अब हम लोग ब्रेडफोर्ड की तरफ जा रहे हैं तो ये देखिए ये कितना ख़ूबसूरत व्यू है ब्रेडफोर्ड का और ये एक ब्रिज से जो है ना वो लिया है तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा ये एरोप्लेन बनते हैं ये एक, एक एग्जीबिशन थी म्यूज़ियम भी था साथ में तो हम लोग जो है वो भी देखने के लिए गए थे अब मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं अंदर डाली हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाती फिर तो मैंने जो जो मुझे समझ में आया आप लोगों के साथ शेयर किया है और ये जो है ब्रेडफोर्ड है और ये देखिए एक स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम है क्योंकि आपको पता है मैनचेस्टर जो है और लीड्स जो है वो मशहूर है स्टेडियम के लिए तो ये एक क्रिकेट स्टेडियम था और हेडलिंग हेडलिंग है शायद इसका नाम शुरू में मैंने लिखा था तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे इतना नहीं पता मैं भी आप लोगों के साथ साथ ही जान रही हूँ और ये इतिहाद स्टेडियम है फ़ुटबॉल का देखिए ये भी बहुत ख़ूबसूरत स्टेडियम है बल्कि हमने स्टेडियम तो बहुत ही ज़्यादा देखे हैं बहुत खूबसूरत थे देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पूरा व्यू देखिए स्टेडियम का पूरा व्यू और सर्दी थी और मैंने तो अपने कान वान सब ढके हुए थे बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ये फिर नेक्स्ट डे मैनचेस्टर में जो है ये ब्रेकफास्ट है ये देखिए ये किडनी बीन्स हैं बेक्ड किडनी बीन्स हैं और ऑमलेट है और वाटर है, है और ये देखिए ये अब हम लोग मैनचेस्टर में जो है वो आ, हमने सोचा कि एक चक्कर लगाते हैं क्योंकि आज हमारा चेकआउट था तो हमने सोचा कि चलो एक चक्कर लगा के आते हैं और क्या रह गया है चलें एक्सप्लोर करते हैं तो एक एग्ज़िबिशन लगी हुई थी तो हम लोग अंदर गए तो ये वहाँ पे ये कैफेटेरिया था तो हमने कहा चलो ये हम ए, इवनिंग टी ले लेते हैं क्योंकि फिर हमें एयरपोर्ट पे भी जाना है तो ये एक हॉल था यहाँ पे एग्जीबिशन चल रही थी और ये जनाब हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट ये मानचेस्टर एयरपोर्ट है और यहाँ पहुँच के ये देखिए यहाँ पहुँच के और हम अंदर जाके हम लोग सबसे पहले जो पहुंचे हैं ड्यूटी फ्री ताकि यहाँ से कुछ शॉपिंग की जाए और बस यहाँ से फिर जो है वो हम एमरस एयरलाइन के प्लेन में हमारा सफ़र था और मैं यहीं पे अपने विलाग को ख़त्म करती हूँ उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया हो, होगा मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये विलाग कैसा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इन मैं फिर आऊँगी किसी नए बिलाग या किसी नई रेसिपी के साथ और इन जो रह गया है अगर हुआ तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी वरना उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा चलिए इन फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ ये ड्यूटी फ्री है और यहाँ से भी मैंने शॉपिंग की थी तो आप लोग भी देखिए मैंने क्या क्या लिया है और फिर उसके बाद जो है टाइम हो गया था और हम लोग फिर ये देखिए अच्छा एयरपोर्ट एयरपोर्ट था मानचस्टर का खूबसूरत एयरपोर्ट और बस उसके बाद फिर हम लोग प्लेन में बैठ गए थे फ्लाइट लेट थी तो चलिए दोबारा अल्लाह हाफ फिर मिलेंगे इन